नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कैनाना पुलिस व वकीलों की टीम के बीच 20 ओवरों का मैच खेला गया, जिसमें पुलिस की टीम ने 15.5 ओवर में 8 विकेट से मैच जीत लिया। टीम के कप्तान वीरेंद्र सिंह कसाना ने 33 गेंदों पर निर्णायक 82 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई। रविवार को शामली रोड पर स्थित भास्कर अकेडमी में कैनाना कोतवाली वर्सेज कैनाना कोर्ट के बीच 20 ओवरों का मैच कराया गया। कैनाना कोतवाली की टीम के कप्तान वीरेंद्र सिंह कसाना और कैनाना कोर्ट की टीम के कप्तान महेंद्र सिंह की मौजूदगी में टॉस उछाला गया। टॉस जीतकर कैनाना कोर्ट ने पहले बल्लेबाजी की। इस दौरान टीम के कप्तान महेंद्र सिंह ने 30 गेंदों में 51 रन, सचिव चौहान ने 27 गेंदों में 40 रन बनाए। कैनाना कोर्ट की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में कैनाना कोतवाली की टीम के सामने 189 रन का टारगेट रखा। वहीं कैनाना कोतवाली की टीम के कप्तान वीरेंद्र सिंह कसाना को पहले ओवर में 0 रन पर ही कैच आउट होने से बच गए। जीवनदान मिलने के बाद उन्होंने पहले बल्ले से कमाल दिखाना शुरू किया तो कैनाना कोर्ट की टीम के पसीने छूट गए। सभी बल्लेबाज उनके सामने फ्लॉप होते दिखाई दिए। इससे पहले कैनाना कोर्ट के बॉलर कलीम ने 27 रन पर 1 विकेट लिया। वीरेंद्र कसाना ने अच्छी बल्लेबाजी, 33 गेंदों में 82 रन बनाए। वीरेंद्र कसाना को बॉलर दिलशाद चौधरी ने कैच आउट कराया। वीरेंद्र कसाना का कैच सलमान ने पकड़कर आउट किया। इसके पहले वीरेंद्र सिंह कसाना विकेट में गेंद लगने से आउट हुए, लेकिन फ्री हिट होने के कारण उनको दूसरा जीवनदान मिला। वीरेंद्र सिंह कसाना के आउट होने के बाद कांस्टेबल भानो ने टीम की जीत की कमान संभाली और 15.5 ओवर में टीम को 8 विकेट से शानदार जीत दिलाई। वक्त हो चला है आप सभीता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।